Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of Current Affairs Live with me on the morning of 20th June 2017. जी हाँ, Current Affairs Live के साथ एक बार फिर से आपके दिन की शुरुआत हो रही है Mahindra Guru के साथ. So let's get ready for this session because yes, this session is going to be something interesting, something beneficial, क्योंकि आज की headlines achievements से जुड़ी हुई हैं, appointments से जुड़ी हुई हैं, कई सारे events से जुड़ी हुई हैं. So definitely ये सेशन आपको बेनिफिट करेगा ही. तो अपने ब्रेकफास्ट टीज एंड कॉफीज को जल्दी से तैयार कर लीजिए क्योंकि 8 बज चुके हैं, आप और हम लाइव हो चुके हैं यहाँ पे और हम शुरू करने वाले हैं आज की टॉप हेडलाइंस. तो लेट अस प्रोसीड विद द हेडलाइंस. बट यस, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स एंड व्यूअर्स हैव जॉइंड दिस सेशन, पर फिर भी कुछ हमारे एस्पायरेंट्स अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं. तो जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए अपने सारे के सारे सोशल मीडियाज पे सो दैट मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स कैन जॉइन एंड अवेल द बेनिफिट प्रोवाइडेड इन दिस सेशन. करंट अफेयर्स लाइव डेली बेसिस पे सुबह 8 बजे लाइव होता है आपके साथ, सिर्फ और सिर्फ आपको फिल्टरेट और एक्यूरेट हेडलाइंस प्रोवाइड कराने के लिए. सो अब हम बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आज की पहली हेडलाइन किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट से जुड़ी हुई है, किस सेक्शन से जुड़ी हुई है. तो ये रही आज की हमारी पहली हेडलाइन. इंडियन शटलर किदंबी श्रीकांत डिफीटेड कजुमसा सकाई ऑफ जापान टू विन द इंडोनेशिया ओपन मेन सिंगल्स टाइटल. दिस इज श्रीकांत थर्ड सुपर सीरीज टाइटल. भारतीय शटलर किदंबी श्रीकांत ने जापान के काजुमसा सकाई को हराकर इंडोनेशिया ओपन पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है. यह श्रीकांत का तीसरा सुपर सीरीज खिताब होगा. सो यस, स्पोर्ट्स सेक्शन की न्यूज हेडलाइन. स्पोर्ट्स सेक्शन की न्यूज हेडलाइन के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अचीवमेंट है हमारे इंडियन शटलर का. स्पोर्ट्स सेक्शन दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट बैडमिंटन. और बैडमिंटन की बात करें तो किदंबी श्रीकांत का नाम यहाँ पे निकल के आया है एज द विनर. और इस सीरीज को जीतने के साथ ही इन्होंने ये अपना तीसरा सुपर सीरीज खिताब अपने नाम किया है. तो इस एस्पेक्ट को, प्रोस्पेक्ट को डेफिनेटली हम अचीवमेंट के अंदर तो डालेंगे ही. और किन किन पॉइंट्स को हम ध्यान रख सकते हैं, कैसे इस न्यूज हेडलाइन को याद रख सकते हैं, चलिए अब उस पर नजर डालते हैं. तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि ये है एक अचीवमेंट. और अगर है ये एक अचीवमेंट, तो अचीवमेंट है इंडोनेशियाई ओपन का. इंडिया इंडोनेशिया ओपन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक फैक्ट प्रोस्पेक्ट निकल के आता है कि इंडोनेशिया ओपन इज एन एनुअल बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय पर्सैट्यूअन बॉलिंगटस सेलुरा इंडोनेशिया एंड हेल्ड इन इंडोनेशिया सिंस 1982. दैट मींस अगर हम स्टार्टिंग की बात करें या स्टार्टअप की बात करें, सो इंडोनेशिया ओपन का यहाँ पे जो नाम आ जाता है 1982 से इसका जिक्र निकल के आता है. और 1982 से इसको शुरू किया गया था इंडोनेशिया PBSI के द्वारा, पर्सैट्यूअन ब्लू टैंक्सिस सेलुरा. थोड़ा सा नाम कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको यहाँ पे याद रखना है कि एनुअल बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है. इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ, सुविनर रहे हैं किदंबी श्रीकांत और किदंबी श्रीकांत ने डिफीट किया है कजुमसा सकाई जो कि अब बिल्कुल रनर अप के पॉइंट पे ही काउंट आउट होंगे यहाँ पे. सो डेफिनेटली ये बात इंपॉर्टेंट निकल के आ जाती है. अगर हम वेन्यू की बात करें, सो वेन्यू इज जकार्ता क्योंकि इंडोनेशिया में हुआ है ये टूर्नामेंट. तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता. यस, वी ऑल नो वेरी वेल. तो जकार्ता में ही इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ. तो वहां पे ऑर्गेनाइज ये कब हुआ ये मैच, तो डेट आ जाती है इसकी 18th June 2017. दैट मींस संडे के दिन इस मैच को खेला गया था. अब इंडोनेशिया से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स पे भी एक बार हम नजर डाल देंगे. तो यहाँ पे रहे सारे के सारे डिटेल्स. जैसा कि हमने कहा, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया इज जकार्ता. करेंसी की अगर हम बात करें, सो यस, इंडोनेशियन रुपया इज द करेंसी ऑफ जकार्ता. और प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, बिकॉज यस दिस कंट्री इज हैविंग द प्रेसिडेंशियल रूल, तो प्रेसिडेंट का नाम आ जाता है यहाँ पे जोको विडोडो. जोको विडोडो इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया. सो ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर दिस न्यूज हेडलाइन इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. इंडोनेशिया ओपन कहाँ होता है, किस तरीके से होता है, कैसे कैसे इसको खेला जाता है. सो यस, दिस एवरी प्रोस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट. सो डू नॉट डाउन जॉट डाउन और स्क्रीन शॉट्स लेते चले. चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट वेरी पर्टिकुलर हेडलाइन. प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण मठ एंड मिशन स्वामी आत्मस्थान नंदाजी महाराज डाइड. ही वॉज 98. रामकृष्ण मठ और मिशन के अध्यक्ष आत्म आस्था नंदाजी महाराज का निधन हो गया. वे 98 वर्ष के थे. सो यस, ऑबिचुरी न्यूज की हेडलाइन है यहाँ पे. हमारे साथ में एक जुड़ रहा है नाम आज अगर हम बात करें, सो जिसका निधन हुआ है, देहांत हुआ है, एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी स्वामी आत्म नंदाजी महाराज का नाम यहाँ पे मिलता है. या इस तरीके से बोला जाता है आत्मा आस्थानंद या आत्मा स्थानंद, जिसको हम कह सकते हैं पर्टिकुलर.
सो यस, इनका निधन हो गया है, देहांत हो गया है. बहुत लंबी समय से ये बीमारी से ग्रसित थे, जिसके बाद इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया. अब यहाँ पे अगर इनका नाम पर्टिकुलर जुड़ जाता है, सो ऑब्वियस सी बात है कि हम रामकृष्ण मठ और मिशन की बात तो करेंगे ही करेंगे कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं, क्यों इनका ऑबिचरी सेक्शन में इंक्लूजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. तो आज अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस न्यूज हेडलाइन को डेफिनेटली टैग किया जाएगा ऑबिचरी न्यूज के अंदर ही, और ऑबिचरी न्यूज के अंदर नाम आ जाता है स्वामी आत्मा आस्थानंदा जी का. एज थी इनकी 98 ईयर्स. लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हुआ, देहांत हुआ. कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ. रामकृष्ण मिशन के ये हेड थे. अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन एंड मठ दिसंबर 2007 से ये कहीं ना कहीं इस पोस्ट पे, या बोला जाए इस पद को बिल्कुल बिलोंग कर रहे थे और सारा का सारा कार्यभार संभाल रहे थे. इस वजह से स्वामी आत्मा आस्थानंदा जी का नाम जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. अब अगर हम बात करें यहाँ, तो जैसा कि हमने कहा इनका निधन हुआ कोलकाता में, ये कोलकाता से ही निवास करते थे, तो वेस्ट बंगाल कोलकाता की कैपिटल आ जाती है. चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो ममता बनर्जी का नाम, बिकॉज यस द स्टैटिक फैक्ट्स रिलेटेड टू स्टेट पर्टिकुलर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू डिस्कस. किसी भी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ अगर कोई भी कंट्री या स्टेट होता है तो वो खुद में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. गवर्नर की अगर हम बात करेंगे तो यस के एन त्रिपाठी, केशरीनाथ त्रिपाठी. कई बार हमने वेस्ट बंगाल से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, आज फिर हम इसको रिवाइज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि आप सारे के सारे फैक्ट्स को दोबारा से रिकॉल रिवाइज कर सके. ऑबिचरी न्यूज में आज जो नाम जुड़ा है स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी स्वामी आत्मा आस्थानंदा जी का नाम यहाँ पे आज हमारे साथ जुड़ा है. रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट वेरी पर्टिकुलर हेडलाइन. पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया इन द फाइनल बाय 180 रन्स टू लिफ्ट देयर फर्स्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल. पाकिस्तान ने फाइनल में भारत को 180 रन से हराकर पहली बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता. एज यू ऑल नो वेरी वेल कि वी डिस्कस ऑन ट्यूजडे द हेडलाइंस ऑफ संडे टू, और जैसा कि हम जानते हैं संडे को एक बहुत ही रोमांचक और एक्साइटिंग मैच हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड यस द रिजल्ट वाज पाकिस्तान वन बाय 180 रन्स. इंडिया की हार हुई उस दिन, लेकिन यहाँ एक अचीवमेंट की अगर हम बात करें सो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट का मैटर इसीलिए बन जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम दे हैव लिफ्टेड द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल. सो दैट इज वेयर दिस न्यूज हेडलाइन इज इंपॉर्टेंट. डू नॉट टेक इट ऑन एनी वेज, इसको एक न्यूज हेडलाइन की तरफ से कंसिडर करेंगे. और 180 रन के साथ पाकिस्तान ने एक बड़ी जीत हासिल करी, सो इसीलिए ये अचीवमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है. चलिए अब अगर आईसीसी से रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड फैक्ट्स की बात करें, सो हम यहाँ पे आगे इस न्यूज हेडलाइन को टैग तो करेंगे इवेंट के अंदर ही. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड और वेल्स में जो हुई 2017 की, सो वहां पे बात आ जाती है पर्टिकुलर पाकिस्तान के विनिंग होने की. वेन्यू था इसका ओवल लंदन. यस द ओवल में ये मैच हुआ, जहां पे मैन ऑफ द मैच करार दिया गया फकार जमान को. और फकार जमान की अगर हम बात करें, आप सभी ने ये मैच देखा होगा, तो यस अद्भुत खेल, एक बहुत ही ट्रिमेंडस बैटिंग अगर देखी जाए तो फकार जमान की सामने निकल के आई उस मैच में. सो दैट इज वाई मैन ऑफ द मैच इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बन जाता है. अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पे, सो डेफिनेटली फकार जमान का अचीवमेंट भी इस मैच में निकल के आया, बिकॉज यस यहाँ पे दो बातें निकल के आई हैं. वन, पाकिस्तान वन बाय 180 रन, ये तो बात ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल उनको मिल गया. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि फर्स्ट टाइम दे हैव लिफ्टेड द चैंपियंस ट्रॉफी. तो यस, चैंपियंस ट्रॉफी जब से शुरू हुई, इंस्टीट्यूट हुआ, शुरुआत हुई इस चैंपियंस ट्रॉफी को खेलने की, तो पाकिस्तान पहली बार यहाँ पे आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी को उठा पाया, दैट मीन्स जीत पाया. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके बाद फकार जमान का यहाँ पे अचीवमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैन ऑफ द मैच तो वो बने ही. इसी के साथ उन्होंने अपनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी कंप्लीट करी. यस, 12 फोर्स और 3 सिक्सेस के साथ ही हैव कंप्लीटेड हिज फर्स्ट इंटरनेशनल सेंचुरी. सो दैट इज वाई ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स में, या कहीं ना कहीं पॉइंट प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करें, सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आने वाले टाइम में आईसीसी रिलेटेड या फकार जमान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं भी कुछ तरीके से बन सकता है. अब अगर हम बात करें यहाँ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने पहली बार जीती है, सो इस वजह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई ये जानना जरूरी हो जाता है. 1998 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था. वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट की आईसीसी की सीरीज है जिसका इनॉग्रेशन हुआ 1998 में. अब उसका नाम चेंज किया था टू द चैंपियंस ट्रॉफी इन 2002.
क्योंकि अगर हम बात करें तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को ओडीआई क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से या इस तरीके से जाना के सामने निकल के आई वन, जैसा कि कमेंट बॉक्स में हमें दिख भी रहा है कि कैंडिडेट्स विद द क्रिकेट हेडलाइन आर डिस्कसिंग द हॉकी हेडलाइन टू। सो डेफिनेटली अभी आगे आने वाले सेशन में या आगे आने वाले पॉइंट्स में, न्यूज हेडलाइंस में हम लोग हॉकी को भी डिस्कस करेंगे ही, बट अभी अगर हाल फिलहाल हम बात करें सो यस, यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स हमने आपके सामने रख दिए। द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोट डाउन, पाकिस्तान की विक्ट्री तो है ही, बट दो बातें सामने निकल के आई। फर्स्ट टाइम दे हैव वन द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल एंड फकार जमान ने अपनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी कंप्लीट की इसी मैच में, तो इस वजह से ये न्यूज हेडलाइन जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। होप यहाँ पे साउंड इश्यू जो आ रहा था वो अब क्लियर हो गया होगा। रिफ्रेश कर लीजिए पेज को इफ अभी भी आपको अगर कोई भी इशू यहाँ पे समझ में आ रहा है। आदित्य शर्मा, वॉट इज रूपी ड्रॉइंग अग्रीमेंट? रुपी ड्रॉइंग अग्रीमेंट का जिक्र जनरल अवेयरनेस के सेशन में होगा। आप एक से दो दिन से बिल्कुल यहाँ पे पूछ रहे हैं सेम क्वेश्चन रुपी ड्रॉइंग अग्रीमेंट को, सो आपको हम एक बात बता दें यहाँ पे कि रुपी ड्रॉइंग अग्रीमेंट से रिलेटेड सारे के सारे अवेयरनेस के सेशन में। सो होप यहाँ पे सारी की सारी बातें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वेरी पर्टिकुलर हेडलाइन। India defeated Pakistan by 7-1 in Hockey World League semi-finals. Hockey World League semi-finals में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। So yes, यहाँ पे बात आ जाती है कि पर्टिकुलर इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल में। तो जहां क्रिकेट में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा के फाइनल्स अपने नाम कर लिया, यहां इंडिया ने पाकिस्तान को हरा के सेमीफाइनल्स अपने नाम कर लिया। सो यस, ये न्यूज अच्छी है, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है। इसके अलावा दोनों खेलों की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द क्रिकेट एंड हॉकी एज वेल, दोनों के वेन्यू जो थे वो लंडन ही थे, लंडन में ही ये दोनों के दोनों मैचेस हुए, चाहे आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की बात हो या तो फिर हॉकी वर्ल्ड लीग के सेमीफाइनल्स की बात हो। सो अब इसके एस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट को अगर हम डिस्कस करें तो बात आ जाती है यहां अचीवमेंट की। अचीवमेंट है हॉकी वर्ल्ड लीग का, इंडिया ने डिफीट कर दिया है पाकिस्तान को और वेन्यू रहा है इसका लंदन। अब यहां पे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, 7-1 से हराया, एक अच्छा खासा स्कोर वहां पे हमारे सामने देखने को मिला। अब इंडिया नेक्स्ट खेलेगी नीदरलैंड के साथ 20th June 2017, दैट मींस यस आज के ही दिन में। और पाकिस्तान की वही अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का अगला मैच है स्कॉटलैंड के साथ। So, इस वजह से ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। 7-1 से हराने के बाद इंडिया ने अपने नाम कई सारे रिकॉर्ड्स इस पर्टिकुलर न्यूज हेडलाइन से भी कर लिए हैं। सो यस, जहां एक तरफ हमें लॉस हुआ, दूसरे तरफ हमें यहाँ गेन हुआ है। सो यस, क्रिकेट में अगर एक मैच हम हारे हैं तो हॉकी में एक मैच जीते हैं, एंड एज दीज आर द गेम्स, सो डेफिनेटली हार और जीत तो बनी ही रहती है, कभी जीत होती है कभी हार होती है। सो वी शुड नॉट टेक इट समवेयर, क्योंकि अगर आज कोई टीम हारी है तो कल वही टीम जीतेगी, और अगर आज कोई टीम जीती है तो अगली टीम को डेफिनेटली अगले गेम में मौका मिलेगा ही मिलेगा। सो टेक इट एज अचीवमेंट, नोट ऑल द पॉइंट्स, बिकॉज यस क्वेश्चन यहाँ पे कहीं से भी किसी भी तरीके से बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट वेरी पर्टिकुलर हेडलाइन। आर माधवन हैज बीन नेम्ड द बेस्ट एक्टर मेल फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द तमिल फिल्म इरुदु सुत्रुट एट फिल्म फेयर अवार्ड साउथ 2017। आर माधवन दक्षिण भारतीय फिल्म फेयर पुरस्कारों में तमिल फिल्म इरुदु मुत्तुरु के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत चुके हैं। So, जैसा कि हमने यहाँ कहा आपसे, शुरू में ही आपको बताया था कि आज का सेशन इम्पोर्टेंट है। आज का सेशन इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ कई सारे अचीवमेंट्स की हम बात करेंगे, कई सारे इवेंट्स की हम बात करेंगे। सो अब हमने यहाँ पे जोड़ दिया है इरुदु सुत्रु एज द फिल्म फेयर अवार्ड साउथ 2017 का एक लिस्टिंग और रैंकिंग। यहाँ पे बेस्ट एक्टर मेल के लिए आर माधवन को अवार्डेड किया गया है। सो यस, ही हैज रिसीव्ड द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, बट बेस्ट एक्टर की बात आई है और बेस्ट एक्टर के अलावा यहाँ पे बेस्ट फीमेल एक्टर का भी हम जिक्र करेंगे और बाकी भी सारी की सारी बातें करेंगे, क्योंकि यस अगर हम बात करें, ये न्यूज हेडलाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल्म फेयर अवार्ड साउथ से रिलेटेड यहाँ पे सारे के सारे फैक्ट्स आ जाते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन जो प्रीवियस न्यूज हेडलाइन से रिलेटेड यहाँ सामने निकल के आया है, सो डेफिनेटली उस पर हम जरा फोकस करें कि नीदरलैंड की कैपिटल क्या है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे आपको बताया भी था कि इंडिया का अगला मैच 20 जून को हॉकी के लिए नीदरलैंड के साथ है, तो नीदरलैंड की कैपिटल इज एम्स्टरडैम।
राइट, एम्स्टरडैम इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज. अब आ जाते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज हेडलाइन पे जहां पे हमने आर माधवन के अचीवमेंट की बात करी. सो चलिए सारे के सारे पॉइंट प्रोस्पेक्ट्स और एस्पेक्ट्स पे नजर डालें. फिल्म फेयर अवार्ड साउथ की हम बात कर रहे हैं, जब फिल्म फेयर अवार्ड साउथ की बात कर रहे हैं सो डेफिनेटली इस न्यूज हेडलाइन को हम टैग करेंगे अवार्ड्स के अंदर ही, अवार्ड्स के नीचे इसको टैग किया जाएगा. फिल्म फेयर अवार्ड साउथ 2017 की यहाँ पे लिस्टिंग सामने निकल के आई है. एडिशन की अगर हम बात करें तो 64th एडिशन रहा है, दैट मीन्स 64वां फिल्म फेयर अवार्ड साउथ का यहाँ पे जिक्र हो रहा है. अब जिसमें यहाँ सबसे पहले अगर हम बेस्ट फिल्म की बात करें, बेस्ट एक्टर मेल का तो हमने यहाँ पे न्यूज हेडलाइन में जिक्र किया. सो बेस्ट फिल्म की अगर हम बात करें तो जोकर, बेस्ट डायरेक्टर सुधा के प्रसाद इरुदूर सुतुरु के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर मिला है. बेस्ट फिल्म जोकर के लिए बेस्ट डायरेक्टर सुधा के प्रसाद इरुदू सुत्रु के लिए. और बेस्ट एक्टर मेल की अगर हम बात करें यहाँ सो माधवन का नाम आ जाता है, जैसा कि न्यूज हेडलाइन में बताया ही है, इरुदू सुत्रु के लिए ही. बेस्ट एक्टर फीमेल भी सेम मूवी से गई है, रितिका सिंह फॉर इरुदू सुत्रु. और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल की अगर हम बात करें तो समुतरी करानी विसरानाई मूवी के लिए. थोड़े से नाम कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज यस साउथ का पूरा यहाँ डेटा स्ट्रक्चर. बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल की अगर हम बात करें तो साई दंशिका फॉर कबाली के लिए अवार्ड की गई है. बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की अगर हम बात करें सो यस एज वी नो वेरी वेल यहां पे एआर रहमान का नाम आ जाता है. और एआर रहमान की अगर हम बात करें सो यहां अच्छियाम येन बादू मद माइदा के लिए इनको अवार्ड दिया गया है. अब आगे अगर हम और कैटेगरीज की बात करें तो बेस्ट लिरिक्स का यहाँ पे जिक्र आ जाता है. हम चाहेंगे स्क्रीन को जूम इन कर दें ताकि सारे के सारे डिटेल्स आपको बिल्कुल क्लियरली दिखे यहाँ. तो बेस्ट लिरिक्स थमराई थल्ली पोगाती अच्छियाम येन बादू मदा माइदा के लिए ही मिला है. और अगर हम आगे बात करें कैटेगरी की तो बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के लिए अवार्ड किया गया है सुंदरई जैस्मिन को जोकर के लिए बेसिकली जिन्होंने गाया. अब इसके अलावा बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल की अगर हम बात करें सो श्वेता मोहन माया नदी का नाम आ जाता है फॉर कबाली. सो सारे के सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं. डेफिनेटली एग्जामिनेशन में इतना सब नहीं पूछा जाएगा लेकिन आप एक बात ये याद रख सकते हैं, इरुदू सुत्रु का नाम यहाँ पे आ चुका है बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़े तरीके से, क्योंकि इरुदू सुत्रु का नाम बेस्ट फिल्म के लिए, बेस्ट एक्टर के लिए, बेस्ट फीमेल एक्टर के लिए, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे इरुदू सुत्रु से रिलेटेड है. सो यस यहाँ फिल्म फेयर अवार्ड साउथ एडिशन 64th रहा था तो इसी पे ये सारे के सारे बात आपको यहाँ ध्यान रखने हैं. चलिए बढ़ते हैं इन्हीं सारी की सारी डिटेलिंग्स के साथ टू द नेक्स्ट वेरी पर्टिकुलर हेडलाइन. प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑफ बीआरएस हेल्थ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एट उडुपी कर्नाटका. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उडुपी कर्नाटका में बीआरएस हेल्थ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आधारशिला रखी. सो यहाँ पे बात आ रही है एक इनॉग्रेशन की या एक स्टार्टअप की, बीआरएस हेल्थ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट उडुपी. अब यहाँ पे प्रेसिडेंट का इन्वॉल्वमेंट निकल के आया है, प्रेसिडेंट ने फाउंडेशन स्टोन रखा है. सो डेफिनेटली बीआरएस हेल्थ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का सोशल मोटिव बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ जाता है. इस न्यूज हेडलाइन को कैसे टैग करेंगे, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे वो जानना बिल्कुल यहाँ पे जरूरी हो जाता है. तो अगर हम इसको हाईलाइट करें तो सबसे पहले बात आ जाती है स्टार्टअप की. स्टार्टअप इसीलिए क्योंकि यस एक यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है एक हेल्थ एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, इंस्टीट्यूट की, और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा. ऑनरेबल प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो मिस्टर मुखर्जी ने यहाँ पे इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है. दैट मीन्स अब इसका अनावरण हो चुका है, अब यहाँ इसका बिल्कुल बिल्डिंग क्रिएट हो जाएगा. सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑफ बीआरएस हेल्थ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट. सुपर स्पेशलिटी से मतलब ही यहाँ के निकल के आ जाता है कि ज्यादा से ज्यादा ये अपने स्पेशलिस्ट को यहाँ पे इंक्लूड करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ मेजर्स प्रोवाइड किए जा सके. अब अगर हम बात करें यहाँ और भी डिटेलिंग फैक्ट्स की तो उडुपी कर्नाटका में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है. दैट मीन्स उडुपी कर्नाटका में इसको बिल्ड किया जाएगा. बीआरएस की अगर हम बात करें सो बीआरएस
की बात यहाँ पे निकल के आती है. तो व्हाट डज बेसिकली बीआरएस स्टैंड्स फॉर? तो बीआरएस है एक डॉक्टर बीआर शेट्टी के नाम पे हेल्थ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट. डॉक्टर बीआर शेट्टी एक बहुत ही जाना माना नाम है. बीआर शेट्टी हेल्थ इंडस्ट्री से, हम बिल्कुल कह सकते हैं मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ एक बहुत ही जाना माना चर्चित नाम है, जो कि अपने बिल्कुल मेडिकल साइंस से रिलेटेड या अपने मेडिकल अचीवमेंट से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा फेमस और सोशल है. तो डॉक्टर बीआर शेट्टी के नाम पे बीआरएस यहाँ पे नाम सामने निकल के आता है. अब अगर हम बात करें कर्नाटका से रिलेटेड फैक्ट्स की, बिकॉज यस उडुपी कर्नाटका में इसका इनॉग्रेशन हो रहा है. उडुपी कर्नाटका में इसको बिल्डअप किया जा रहा है. इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल वहां पे सेटल होगा, कहाँ? कर्नाटका में. सो कैपिटल की अगर हम बात कर ले तो बेंगलुरु, बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका. चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो सिद्धारमैया का नाम यहाँ पे आ जाता है. और गवर्नर की अगर हम बात करें तो गवर्नर का नाम है वाजुबाई रूदाभाई वाला. सो यस, वाजुबाई वाला जिनका नाम हम यहाँ पे याद रख सकते हैं, तो वाजुबाई रूदाभाई वाला इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका. सो ऑल द स्टैटिक फैक्ट्स रिलेटेड टू कर्नाटका, ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस न्यूज हेडलाइन हैज बीन प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. डू नोट डाउन, जॉट डाउन, टेक स्क्रीनशॉट्स, क्योंकि आपको यहाँ पे ये सारे के सारे नाम और ये सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल भी आगे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन प्रोस्पेक्ट पे जरूरत पड़ सकते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर हेडलाइन. महेश शर्मा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, लॉन्च द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया एट गोवर्धन ब्लॉक, मथुरा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश. केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोवर्धन ब्लॉक में भारत के सांस्कृतिक मानचित्रण अभियान का शुभारंभ किया. सो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक और इनॉग्रेशन की. महेश शर्मा का नाम निकल के आ जाता है टू इनहांस कल्चर, टू इनहांस टूरिज्म. यहाँ पे एक इनॉग्रेशन सामने निकल के आया है, नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग. दैट मीन्स हमारे देश को कल्चरली साथ में बांधने के लिए, भारत को एक श्रेष्ठ देश में कैलकुलेट कराने के लिए ये मूव, ये इनिशिएट सामने निकाला गया है. सो अब अगर हम बात करें यहाँ, सो डेफिनेटली इसके सारे के सारे स्टैटिक पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे ही, इसके अलावा और भी क्या क्या बातें जुड़ी हुई है उस पर हम लोग नजर डालेंगे ही. सो सबसे पहली बात अगर हम करें तो इसको टैग हम करेंगे लॉन्चिंग के अंदर, क्योंकि लॉन्चिंग हुई है इम्प्लीमेंटेशन होने की एक नए मिशन की. मिशन है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंट चार्ज, जो कि मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर भी है, डॉक्टर महेश शर्मा के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट कराया गया है, इनॉग्रेट कराया गया, लॉन्च कराया गया है. पर्पस की अगर हम बात करें यहाँ, पर्पस आ जाता है बेसिकली इसका एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का. जैसा कि हमने कहा कि डेफिनेटली इंडिया को टू कैलकुलेट ऑन इट्स कल्चरल मेजर्स टू मेक एक भारत श्रेष्ठ भारत मूव या मिशन के लिए नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया को इनिशिएट किया गया है. सो आगे अगर हम और फैक्ट्स की बात करें, सो इसका वेन्यू लॉन्चिंग कहाँ हुई, तो मथुरा उत्तर प्रदेश में इसकी लॉन्चिंग हुई है. कब हुई? ऑन 17th June 2017. सो दिस मिशन हैज बीन लॉन्च्ड ऑन 17th June 2017 एंड इन मथुरा उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अगर हम फैक्ट्स की बात करें, सो यस, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स कई सारे यहाँ सामने निकल के आ जाते हैं. और जैसा कि हम आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुके हैं, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश एंड गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश. तो वर्बली अगर हम आपके साथ यहाँ डिस्कस करें, सो आई वॉन्ट डेफिनेटली यू ऑल टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स एज वेल कि हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश. गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश के? उत्तर प्रदेश के गवर्नर की अगर हम बात करें यहाँ, सो डेफिनेट श्री राम नाइक. जैसा कि कमेंट बॉक्स में आई हैव सीन कैंडिडेट्स हैव स्टार्टेड टाइपिंग द आंसर, तो श्री राम नाइक इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश. चीफ मिनिस्टर की बात करें तो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ इज द चीफ मिनिस्टर. एंड यस, अगर कैपिटल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल इज लखनऊ. सो ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस न्यूज हेडलाइन एंड ऑल द पर्टिकुलर पॉइंट्स आर प्रेजेंटेड और आप सभी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, दैट इज रियली गुड. अब सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो अप्रिसिएशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बिल्कुल टाइप कर सकते. टाइप करने के साथ ही यू कैन क्लिक ऑन द लाइक बटन एज वेल, क्योंकि यस, सारी की सारी डिटेलिंग्स जो यहां गैदर की जाती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए, और आपको हर एक न्यूज़ हेडलाइन को बिल्कुल बहुत अच्छे से याद हो जाए, इस वजह से आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है. सो लेट्स प्रोसीड विद ऑल दीस पॉइंट्स टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर हेडलाइन. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज हैज इनॉग्रेटेड नो इंडिया प्रोग्राम KIP for NRI and PIO youth. She has also launched a portal for the No India program.
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एनआरआई और पीआईओ युवाओं के लिए नो इंडिया प्रोग्राम का उद्घाटन किया। उन्होंने भारत सरकार के नो इंडिया कार्यक्रम के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया है। सो डिजिटलाइजेशन की तो बात हो ही रही है, बिकॉज यहाँ पे एक पोर्टल सामने निकल के आया है नो इंडिया प्रोग्राम, और इस नो इंडिया प्रोग्राम का इनॉग्रेशन हुआ है या लॉन्चिंग हुई है सुषमा स्वराज के द्वारा फॉर एनआरआईज एंड पीआईओ यूथ। पीआईओ यूथ की अगर हम बात करें तो व्हाट डज पीआईओ स्टैंड्स फॉर, उस पर डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम अगर इस न्यूज हेडलाइन को टैग करें सबसे पहले, तो टैग करते हैं इसको अगेन लॉन्चिंग के अंदर ही। लॉन्चिंग के अंदर बात आ जाती है नो इंडिया प्रोग्राम की, जो कि एनआरआई एंड पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब यहाँ पे PIO का फुल फॉर्म क्लियर हो गया होगा, व्हाट डज PIO स्टैंड्स फॉर। सो PIO इज बेसिकली पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो यहाँ पे यह NRI है, ये आपके बिल्कुल NRIs की बात हो रही है, इसके अलावा इंडियन बेस्ड यूथ की भी बात हो रही है यहाँ पे। सो NRI और PIO यूथ के लिए यहाँ पे एक नो इंडिया प्रोग्राम की लॉन्चिंग हुई है सुषमा स्वराज के द्वारा। अब ये 3 वीक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहेगा। सो यहाँ ये याद रखना है आपको, 3 हफ्ते तक इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को चलाया जाएगा। अब अगर हम बात करें आगे, तो इसका एम है बेसिकली टू प्रमोट अवेयरनेस ऑन डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ लाइफ इन इंडिया। दैट मींस यूथ को एनआरआईज को अवेयर करना कि भारत में जीने की जीवन शैली किस तरीके से हो सकती है या होती है। सो टू इसी बात को प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट अवेयरनेस ऑन डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ लाइफ, इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया जा रहा है। और अगर हम फैक्ट्स की बात करें, सो ये शो करेगा प्रोग्रेस इन कंट्रीज इकोनॉमी एंड एजुकेशन। दैट मींस इंडिया का ग्रोइंग स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया जाएगा इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे प्रोग्राम में, जो कि 3 हफ्ते तक चलेगा। प्रोग्रेस कंट्री की इकोनॉमिकली भी और एजुकेटिव वाइज भी यहाँ पे सामने रखी जाएगी, एनआरआईज और यूथ को यहाँ इंक्लूड करके। सो यस, ये पर्टिकुलर न्यूज हेडलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नो इंडिया प्रोग्राम अवेयरनेस को लेकर स्टार्ट किया जा रहा है। सो इस वजह से आपको इस न्यूज हेडलाइन के सारे फैक्ट्स को नोट डाउन जॉट डाउन करते चलना है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर हेडलाइन। फ्रेंच टेनिस प्लेयर लुकास पूल वन द स्टुटगार्ट ओपन मेन्स सिंगल्स टाइटल। फ्रांस के टेनिस खिलाड़ी लुकास पूल ने स्टुटगार्ट ओपन के पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। तो यस, जहां हमने बताया था आपको कि आज यहां पर्टिकुलर बहुत सारे अचीवमेंट्स हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, अवार्ड्स की बात करेंगे। सो एक और अचीवमेंट हमारे सामने यहां निकल के आया है फ्रेंच टेनिस प्लेयर का लुकास पूल। स्टुटगार्ट ओपन मेन सिंगल्स टाइटल उन्होंने जीत लिया है। अब स्टुटगार्ट अगर हम बात करें यहाँ, सो बात आ जाती है निकल के पर्टिकुलर फ्रेंच टेनिस प्लेयर के अचीवमेंट की, तो लेकिन स्टुटगार्ट ओपन मेन सिंगल टाइटल की अगर हम बात करें, किसको हराया, कहाँ हुआ, किस तरीके से हुआ, उन सारे के सारे फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। पर सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ इसको टैग करने की, तो अचीवमेंट के अंदर इसको टैग किया जाएगा, और अचीवमेंट के अंदर अगर हम इसको टैग करेंगे तो स्टुटगार्ट ओपन मेन सिंगल्स टाइटल की बात आ जाती है। विनर रहे हैं लुकास पूल, फ्रांस के ये प्लेयर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि स्टुटगार्ट ओपन मेन्स टाइटल के साथ एक खिताब और इनके नाम जुड़ा है कि इन्हें अपना ये फर्स्ट ग्रास अचीवमेंट रहा है। फर्स्ट ग्रास अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो यस, ग्रास लैंड पे इनकी ये पहली विक्ट्री रही है। अब अगर बात करें तो रनर अप रहे हैं फेलिसियानो लुपास, क्योंकि इन्होंने हराया है फेलिसियानो लुपास को, जो कि स्पेन से बिलोंग करते थे और स्पेन के लिए खेलते थे। आगे अगर हम बात करेंगे तो यस, फैक्ट्स की बात आ जाती है, स्टुटगार्ट इसका वेन्यू रहा है। कब इस मैच को खेला गया, तो 18 जून 2017, दैट मींस संडे के दिन ये मैच हुआ। अब स्टुटगार्ट की अगर हम बात करें तो स्टुटगार्ट एक सिटी है जर्मनी की, और जर्मनी से रिलेटेड फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमने कल के ही सेशन में आपके साथ डिस्कस किया था जर्मनी के फॉर्मर चांसलर के निधन में सारे के सारे जर्मनी से रिलेटेड फैक्ट्स। तो होप यहां अब उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि जब आप जर्मनी से रिलेटेड कैपिटल की बात करते हैं, जर्मनी के प्रेसिडेंट की बात करते हैं, और जर्मनी के लेटेस्ट करंट चांसलर की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे नाम हम कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आपके देखना चाहते हैं। सो यहाँ सारे के सारे फैक्ट्स बिल्कुल यहाँ बात आ जाती है, आप कमेंट बॉक्स पे शेयर करते रहें, क्योंकि यहाँ पे आप जब शेयर करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, सारी बातें शेयर करते हैं, सो बात आ जाती है कि आप एक दूसरे के साथ सारे के सारे फैक्ट्स डिस्कस करने में बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इन्हीं सारे के सारे बातों के साथ टू द पर्टिकुलर नेक्स्ट हेडलाइन, और देखते हैं हर एक हेडलाइन में, नेक्स्ट हेडलाइन में क्या निकल के आ जाता है।
अच्छा, अगली हेडलाइन से हम बढ़े तो यहाँ हरीश कुमार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ब्रेक्सिट से रिलेटेड। तो ब्रेक्सिट से रिलेटेड अगर हम बात करें, सो यस, जनरल अवेयरनेस के सेशन में इन सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। ये जो हमारा पर्टिकुलर सेशन होता है करंट अफेयर्स का होता है, टू डिस्कस ऑल द न्यूज हेडलाइंस, टू डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट्स प्रोस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द न्यूज, जो भी आपके न्यूज पेपर में या जो भी आपके अपकमिंग इवेंट्स होने वाले हैं या जो भी इवेंट्स हुए जिसपे कहीं ना कहीं क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो इस वजह से ये सारे के सारे सेशन को उस प्रोस्पेक्ट लिया जाए। चलिए बात करते हैं आगे, तो देखते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर हेडलाइन क्या है। तो एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही बड़ी हेडलाइन फॉर आवर कंट्री, द 114 ईयर ओल्ड ताजमहल पैलेस इन मुंबई हैज गॉट इटसेल्फ ट्रेडमार्क, मेकिंग इट द फर्स्ट बिल्डिंग इन इंडिया टू डू सो। द होटल नाउ जॉइंस अदर ट्रेडमार्क प्रॉपर्टीज इन द वर्ल्ड लाइक द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग एंड द आईफिल टावर। मुंबई में 114 वर्षीय ताजमहल पैलेस की बिल्डिंग को खुद का ट्रेडमार्क मिला, जो इस श्रेणी में भारत की पहली ऐसी इमारत बनी है। होटल की बिल्डिंग अब एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और आईफिल टावर जैसी दुनिया में अन्य ट्रेडमार्क वाली संपत्तियों में शामिल हो गई है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ, तो 114 साल पुरानी ताजमहल पैलेस, होटल ताजमहल पैलेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं मुंबई में, अब उसको खुद का एक ट्रेडमार्क मिल गया है। अब ट्रेडमार्क मिलने के साथ एक बात आती है यहाँ कि अब इस ताजमहल पैलेस की पिक्चर को कोई भी किसी भी वेबसाइट में किसी भी तरीके से पर्सनली कमर्शियली यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रेडमार्क का जिक्र अगर हम करें, सो ट्रेडमार्क, होप यू ऑल गेट वेरी वेल क्लियर कि जब किसी भी चीज पे ट्रेडमार्क लग जाता है, किसी भी पर्टिकुलर साउंड पे, किसी भी पर्टिकुलर इमेज पे, तो यहाँ पे उसका कहीं ना कहीं कॉपीराइट इश्यूज सामने निकल के आते हैं। तो अब अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी पे आ जाता है, बिकॉज यस, यहाँ पे जब भी किसी बिल्डिंग को ट्रेडमार्क किया जाता है तो ये उसके आर्किटेक्चर के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। अब अगर हम आगे फैक्ट्स की बात करें, इसके सारे के सारे पॉइंट्स और स्टैटिक फैक्ट्स की बात करें, सो अचीवमेंट के अंदर तो जाएगा ही है, क्योंकि IHCL की ट्रेडमार्किंग के द्वारा इसको ट्रेडमार्क दिया गया है। ताजमहल पैलेस मुंबई महाराष्ट्र में है, 114 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सो अभी तक की अगर हम बात करें तो ट्रेडमार्किंग में किस किस आर्किटेक्चर को ट्रेडमार्क किया गया था, बिकॉज हमारे नॉलेज के प्रोस्पेक्ट से या इस न्यूज हेडलाइन के हिसाब से अगर हम बात करें, सो ताजमहल पैलेस के अलावा दो और बिल्डिंग्स या दो और आर्किटेक्चर्स को ट्रेडमार्किंग प्रोवाइडेड की गई है। सबसे पहले एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क की बात आ जाती है और आईफिल टावर पैरिस की बात आ जाती है। सो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और आईफिल टावर पैरिस के अलावा अब ताजमहल पैलेस को मिल चुका है ट्रेडमार्क। So, अब इसको पिक्चर्स को या अब इसके यूसेज को कमर्शियली नहीं किया जाएगा। अब यहां पे अगर हम और आगे फैक्ट्स की बात करें और आगे बात की बात करें, तो ट्रेडमार्क एक्ट लागू किया गया, अगर बात की जा रही है तो 1999 से। अच्छा, एक नाम और यहाँ पे छूट गया, क्योंकि सिडनी ओपेरा हाउस को हम कैसे भूल सकते हैं। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क में ट्रेडमार्क मिला है उसको, आईफिल टावर पैरिस में उसको ट्रेडमार्क मिला है, और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस को भी ट्रेडमार्क मिला है। सो अब यहाँ पे बात आ जाती है पर्टिकुलर ताजमहल को, तो ताजमहल को भी यहाँ पे अब इंक्लूड कर लिया गया है। सो ये सारे के सारे फैक्ट्स, ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि डेफिनेटली ये अचीवमेंट है यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब IHCL का फुल फॉर्म पूछा, कैंडिडेट्स यू ऑल आर वेरी मच प्रॉम्प्ट विथ योर क्वेश्चन, दैट इज रियली वेरी नाइस। कमेंट बॉक्स में आप कंटिन्यूअसली पूछते जाते हैं क्वेश्चंस, ये बहुत अच्छी बात आती है। एब्रीविएशन है IHCL, और IHCL की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड इज द फुल फॉर्म ऑफ IHCL। तो IHCL ने ताजमहल होटल बोल सकते हैं या ताजमहल पैलेस होटल को, मुंबई के ताजमहल पैलेस को बिल्कुल यहाँ पे ट्रेडमार्क दे दिया है। सो इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड इज द फुल फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर IHCL। सो होप ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस न्यूज हेडलाइन वॉज वेरी मच क्लियर, और आप सभी सारे के सारे पॉइंट प्रोस्पेक्ट में बिल्कुल सारी की सारी बातों को ध्यान रखते चले होंगे, क्योंकि अब हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की, और इन न्यूज हेडलाइन से किस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम हो सकते हैं। तो लेट्स लुक अपॉन टू ऑल द प्रोस्पेक्ट पॉइंट्स एंड लेट्स लुक अपॉन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द न्यूज हेडलाइन। द इंडोनेशिया ओपन मेन्स सिंगल्स टाइटल 2017 इज वन बाय विच कंट्री। इंडोनेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब 2017 किस देश ने जीत लिया है। इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, चाइना या मलेशिया। सो यस, यहाँ पे बात आ जाती है निकल के एक विक्ट्री की, और जैसा कि हमें याद आ रहा है पहली न्यूज हेडलाइन जो हमने अचीवमेंट की डिस्कस की थी आप सभी के साथ,
सो यस इंडिया का नाम, क्योंकि किदंबी श्रीकांत इज द विनर इंडियन शटलर जिन्होंने जीत लिया है इंडोनेशिया ओपन मेन सिंगल्स टाइटल. तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द पर्टिकुलर नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ रामकृष्ण मठ सिचुएटेड. रामकृष्ण मठ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश. तो अगर हम बात करें सो यस ऑबिचरी न्यूज हेडलाइन से रिलेटेड यहाँ पॉइंट निकल के आया था और कोलकाता वेस्ट बंगाल का हमने जिक्र किया था. तो यस वेस्ट बंगाल इज पर्टिकुलर द हेडक्वार्टर्स या जहाँ पे इसका पूरा का पूरा ये बोला जाए सीट या बेंच है रामकृष्ण मठ की. सो ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The ICC Champions Trophy 2017 is won by ICC Champions Trophy 2017. किसने जीत ली है पहली बार? इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या पाकिस्तान. तो यस संडे को हुआ मैच, पाकिस्तान ने अपनी पहली विक्ट्री अपने नाम करी ICC Champions Trophy की. सो ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following team defeated Pakistan in the Hockey World League semi-finals 2017? Hockey World League semi-final 2017 में पाकिस्तान को निम्नलिखित में से किस टीम ने पराजित किया? नीदरलैंड, अर्जेंटीना, इंडिया, जर्मनी या कनाडा. सो यस अब अगर क्रिकेट में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया तो हॉकी में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया. सो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द राइट आंसर. लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been named the best actor male for his performance in the Tamil film Irudu Suturu at Filmfare Awards South 2017? Filmfare Awards South 2017 में तमिल फिल्म इरुदु सुतुरु में किसको उसके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष के लिए नामित किया गया? राणा डुगुवेती, आर माधवन, अल्लू अर्जुन, रामचरण या महेश बाबू. सो यस यहाँ नाम जिसका निकल के आता है दैट इज मैडी आर माधवन. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who laid the foundation stone of a super speciality hospital of BRS Health and Research Institute at Udupi, Karnataka? किसने उडुपी कर्नाटक में BRS Health and Research Institute के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आधारशिला रखी? प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, सिद्धारमैया, वाजुभाई रुदाभाई वाला. सो यस एज वी नो वेरी वेल ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा आधारशिला रखी गई है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. महेश शर्मा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कल्चर एंड टूरिज्म लॉन्च द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग ऑफ इंडिया. सांस्कृतिक एवं पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने भारत से सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन का कार्यान्वयन शुरू किया. कहाँ किया? सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम. तो यस हम जानते हैं मथुरा, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर. सो ऑप्शन नंबर 4 विल गो फॉर. लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 8. Who has inaugurated No India program for NRI and PIO youth? NRI और PIO youth युवाओं के लिए किसने No India कार्यक्रम का उद्घाटन किया? प्रणब मुखर्जी, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, उमा भारती. तो यस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर का नाम यहाँ आ जाता है. ऑप्शन नंबर 3 सुषमा स्वराज. लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has won the Stuttgart Open men's singles title? किसने Stuttgart Open के पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता? रॉजर फेडरर, लुकास पुली, रफाल नडाल, नोवाक जोकोविक या एंडी मुरे. सो यस द आंसर कम्स हियर इन द कमेंट बॉक्स टू. ऑप्शन नंबर 2 लुकास पुल. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. नेम द ओनर ऑफ द ताजमहल पैलेस होटल. ताजमहल पैलेस होटल के मालिक का नाम क्या है? सुनील ओबेरॉय, जेम्स क्लार्क, नील बांग, जॉर्ज रेडिसन या सलमा हया. तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे ताजमहल पैलेस होटल की तो बिल्कुल ओनर का नाम अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने जिक्र नहीं किया था न्यूज हेडलाइन में बट यस ये कहीं ना कहीं आपके जनरल अवेयरनेस को हिट करता है. सो ऑप्शन नंबर 3 नील बैंक इज द राइट आंसर फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन. तो न्यूज हेडलाइन के अलावा क्वेश्चन आंसर में भी आपके सामने एक नया फैक्ट यहाँ निकल के आया. तो ऑप्शन नंबर 3 नील बैंक इज द राइट आंसर. इसी के साथ वी एंड अप दिस सेशन. डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन क्योंकि आपके लाइक से हमें अप्रिसिएशन मिलता है और हमें पता चलता है कि यू आर एक्चुअली गेटिंग बेनिफिटेड बाय द करंट अफेयर्स लाइव सेशन. कमेंट करके हमें बताइए और क्या इम्प्रोवाइजेशन आप देखना चाहते हैं. यस डू शेयर द वीडियो लिंक सो दैट मैक्सिमम ऑफ योर रिमेनिंग फ्रेंड्स कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट प्रोवाइडेड इन दिस सेशन. न्यू व्यूवर्स जो भी आज पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द इजी एक्सेस ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियोस. महिंद्रा गुरु के चैनल पे फिर मुलाकात होगी आपसे. तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और भूलेगा मत योर सक्सेस इज आवर सक्सेस. थैंक यू सो मच.